ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि की बात करते हैं, आज वर्किंग एरिया में तरक्की के अवसर मिलेंगे, उनका भरपूर लाभ उठाना है। नौकरी की तलाश जो हमारे दर्शक कर रहे हैं, असफलता मिलने के पूरे पूरे आसार हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लगेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो उलझे हुए सवाल हैं उनकी फिक्र मत कीजिए, उनकी चिंता न कीजिए और समय पर उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके फिक्र करने से, आपकी चिंता करने से उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर कुछ समय से आप तनाव में हैं, तो इस समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाइएगा और उनको पानी भी पिला दीजिएगा। अगली जो राशि है धनुराशि। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने आप की तुलना दूसरों से मत कीजिए, अपने कौशल को पहचानिए, उसका सदुपयोग कीजिए और अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, खुशवंत हैं जैसलमेर से। खुशवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए और अपना सवाल पूछिए। जन्म की तारीख है 17/8/1997 जी। खुशवंत, अब इनके जन्म का समय बताइए और अपना सवाल कीजिए। समय है 5:40 जी। सुबह का और शाम का? शाम का 5:40 जी। किसके बारे में जानना चाहते हैं खुशवंत? मैं अपने बारे के लिए जानना चाहता हूँ जी। सवाल पूछिए अपना खुशवंत। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा जी। मेरा मतलब मेरे को पढ़ाई में किसी चीज में सफलता नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई में मेरा अभी बीएससी कर रहा हूँ। बेटा, आपका जन्म शाम को 5:40 का है या 7:40? 5:40। देखिए खुशवंत, ऐसा है आपके जन्म कुंडली में, एक तो 18 साल के आपको राहु की महादशा चल रही है। सन 2009 से राहु की महादशा शुरू हुई है और 2027 में राहु की महादशा खत्म होगी। राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर उतार चढ़ाव करता है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में गुरु नीच का है। तीसरा, आपकी जन्म कुंडली में नौकरी व्यवसाय के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो भी नीच का हो गया। तो कहीं ना कहीं भाग्य का उतना सहयोग नहीं मिलना जितना आप मेहनत करते हैं, धन का उतना सहयोग नहीं मिलना जितना आप मेहनत करते हैं। तो किसी को पैसा उधार नहीं देना, जमानत नहीं लेनी, गारंटी नहीं लेनी, ब्याज बट्टे का काम नहीं करना, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, शेयर मार्केट का काम नहीं करना। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का सोने के अंदर धारण कर लीजिए। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान कीजिए। साथ साथ में घर में केले का पौधा रखिए, केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए और संभव हो तो गुरुवार के दिन पास में कोई साईं बाबा का मंदिर हो तो वहाँ जाके आप दर्शन अवश्य कीजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात करते हैं। आज जब तक सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, समझ नहीं जाए, तब तक किसी से कोई बड़ा प्रॉमिस मत कीजिएगा, वादा मत कीजिएगा, और आपके मन की जो बात है उसको साफ साफ कहने की हिम्मत रखे। जो भी मन की बात है क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप अपना ही अहित कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है कुंभ राशि। आज अपनी सोच को बदलने का प्रयास कीजिए। सुबह अगर हमने सोचा हमारा दिन अच्छा है तो अच्छा रहेगा, सुबह से अगर हम नेगेटिव हैं तो पूरा दिन नेगेटिव होगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं उनके लिए दिन अच्छा होगा। आज सिर्फ आपको बदलती हुई सोच के साथ थोड़ा तालमेल बैठाना होगा। जीवन के जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा हैं, जो आपके सपने हैं, उनके प्रति सावधान रहिए। आज के दिन की सफलता के लिए काग देवता यानी कौवे को पनीर खिलाइए, खीर खिलाइए, नमकीन की गाठी खिलाइए, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि। किसी अपने से यदि आज आप नाराज हैं, पिछले कुछ दिनों से नाराज हैं, तो उस अपने को यानी उस व्यक्ति को माफ़ करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। उससे सीखिए, उसको मन से धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आप सभी के लिए। आज बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी का दिन है और भगवान जो गणेश हैं, श्री गणेश जी जो हैं, शक्ति और शिव तत्व का साकार स्वरूप है। शक्ति और शिव तत्व, इन दोनों तत्वों का सुखद स्वरूप ही किसी कार्य में पूर्णता ला सकता है। तो बुधवार के दिन गणपति महाराज की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के जो दुख हैं, दर्द हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो सब खत्म होते हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आयुष्य में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, सर्वत्र हर जगह आपकी कीर्ति फैलती है, यश मान सम्मान प्राप्त होता है। श्री गणेश जी महाराज अपने भक्तों के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। आज गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र को लिख लीजिए, समझ लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बहुत सरल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। ओम नमो भगवते गजाननाय नमः। बड़ा सरल सा मंत्र है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी का पंचोपचार पूजा कीजिए, दुर्वा चढ़ाइए, फूल चढ़ाए, लड्डू का भोग लगाइए। इस मंत्र का जाप पन्ने की माला से कीजिए कम से कम 108 बार। तत्पश्चात में भगवान गणेश जी की विधिवत पूर्वक आरती कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।